हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर प्रस्तुत हूँ प्राथमिक स्तर पर हिंदी विषय के अंतर्गत साप्ताहिक कार्यशीट में शीट क्रमांक 27। आइए अनुच्छेद 1 को हम पढ़ते हैं। वृक्षों से मानव को अनेक लाभ हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि सूर्य के प्रकाश में वृक्ष ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और मानव का स्वास्थ्य अच्छा होता है। देश में चलने वाली गर्म और ठंडी हवाओं से वृक्ष ही हमारी रक्षा करते हैं। ये हमें अमूल्य औषधियाँ, स्वादिष्ट फल, सब्जियाँ और खाद्य इत्यादि भी प्रदान करते हैं। वृक्षों के बगैर मानव जीवन असंभव है। आइए बच्चों, अब हम अनुच्छेद के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन ऑक्सीजन का निर्माण करता है? तो इसका उत्तर है डी, वृक्ष। दूसरा प्रश्न है, मानव का स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर डी सही है, शुद्ध वायु से। तीसरा प्रश्न है, वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है? तो डी उत्तर सही है, फल, ऑक्सीजन, ठंडी हवा आदि। आइए बच्चों, अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। संभव का विपरीत आर्थक शब्द है? इसका उत्तर बी सही है, असंभव। पांचवा प्रश्न है, उपरोक्त अनुच्छेद का शीर्षक दीजिए? तो इसका उत्तर ए सही है, वृक्षों के लाभ। आइए बच्चों, अब हम अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं। रेबीज एक जानलेवा खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से कुत्तों द्वारा फैलती है। कुत्तों में रेबीज 2 प्रकार की होती है, उत्तेजक और मूक। उत्तेजक रेबीज ग्रस्त कुत्ता बगैर कारण के भौंकता और दौड़ता रहता है और लकड़ी, मिट्टी, घास आदि खाने लगता है और अधिकतम 5 दिन के भीतर मर जाता है। मूक रेबीज में कुत्ता अनमनासा हो जाता है और किसी अंधेरे और एकांत स्थान में बेहोशी की सी अवस्था में पड़ा रहता है। इसी स्थिति में कुत्ता 3 से 4 दिन में मर जाता है। रेबीज के वायरस मुख्यतः कुत्ते की लार में पाए जाते हैं। आइए बच्चों, अब हम अनुच्छेद के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, रेबीज बीमारी मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलती है? तो इसका उत्तर ए सही है, कुत्तों द्वारा। दूसरा प्रश्न है, कुत्तों में कितने प्रकार के रेबीज होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं, बी उत्तर सही है। तीसरा प्रश्न है, उत्तेजक रेबीज के क्या लक्षण है? बगैर कारण के भागता और दौड़ता रहता है, लकड़ी, मिट्टी और घास खाने लगता है, अधिकतम 5 दिन के भीतर मर जाता है। उपरोक्त सभी है, डी उत्तर सही है। चौथा प्रश्न है, मूक रेबीज से ग्रस्त कुत्ते के क्या लक्षण है? तो ए है, कुत्ता अनमनस्क हो जाता है, बी एकांत स्थान में बेहोशी की अवस्था में पड़ा रहता है, सी कुत्ता 3 से 4 दिन में मर जाता है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही है। पांचवा प्रश्न है, कुत्ते में रेबीज के वायरस कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर ए सही है, लार में। सी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों, कल नए वीडियो के साथ फिर